तो भारत में कोरोना को लेकर जो भी कवायद चल रही हो वो चीन की वजह से है, लेकिन चीन का हाल देखिए। एक तरफ चुप्पी तोड़ते हुए चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने देश में कोरोना विस्फोट की खबर पर मोहर लगा दी है, दूसरी तरफ कोरोना को आम फ्लू दिखाने की कोशिश करते हुए कई नियम ताक पर रख दिए गए। चीन में कोरोना के महाविस्फोट पर जिनपिंग ने तोड़ी चुप्पी। चीन में कोरोना विस्फोट पर जिनपिंग ने लगाई मुहर, कहा हर कीमत पर बचाएंगे लोगों की जान। चीन के अस्पतालों के दिल दहलाने वाले ये वीडियो हफ्ते भर से पूरी दुनिया को डरा रहे हैं। चीन में कोरोना विस्फोट की खबर के बाद भारत ने इस महामारी के खिलाफ जंग का शंखनाद कर दिया, पर चीन इन खबरों को झुटलाता रहा। दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए कोविड मरीजों का आंकड़ा जारी करना बंद कर दिया, लेकिन हालात जब बेकाबू हुए, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को चुप्पी तोड़नी पड़ी। कोरोना की भीषण लहर के बाद अपने पहले बयान में शी जिनपिंग ने कहा है, चीन में कोविड की नई स्थिति उभर आई है। कोविड के विस्फोट को रोकने के लिए स्वास्थ्य सेवा के अधिकारी अधिक देशभक्तिपूर्ण लक्षित कदम उठाएं। जिनपिंग के इस बयान से साफ है कि चीन के हालात खराब हैं। चीन में कोरोना विस्फोट की खबर गलत नहीं है। कोविड पाबंदियों के खिलाफ उग्र प्रदर्शन के बाद चीन में रातों रात सख्त पाबंदियों को शिथिल कर दिया गया था। पाबंदियां हटते ही चीन में कोरोना के नए वेरिएंट के संक्रमण ने खतरनाक रफ्तार पकड़ ली। कई शहरों में शमशान घाटों और अस्पतालों के आईसीयू वार्ड में मरीजों की भीड़ की तस्वीरें सोशल मीडिया में वायरल होने लगी। चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग की एक लीक रिपोर्ट के मुताबिक 1 से 20 दिसंबर के बीच चीन की कुल आबादी का 17.56% हिस्सा यानी करीब 2.5 करोड़ लोग कोरोना के नए वेरिएंट से संक्रमित हैं। एक अध्ययन में आशंका जताई गई है कि अगले कुछ महीनों में चीन में कोरोना से करीब 10 लाख मौतें हो सकती हैं। लेकिन चीन की चालबाजी देखिए, एक तरफ कोरोना विस्फोट की स्थिति है, दूसरी तरफ दुनिया की नजरों में सब ठीक दिखाने की कवायद जारी है। इसी नीति के तहत चीन ने 8 जनवरी से अपनी सख्त कोरोना नीति में काफी बदलाव करने का फैसला लिया है। चीन ने कोरोना को सबसे खतरनाक संक्रामक बीमारी के दर्जे से भी बाहर कर दिया है। 2020 से कोरोना को ए कैटेगरी में रखा गया था, लेकिन 8 जनवरी से ये 20 श्रेणी की संक्रामण बीमारी होगी। हालांकि स्वास्थ्य कर्मियों से कहा गया है कि इसे शीर्ष प्राथमिकता के तौर पर ही लें। चीन में अब अनिवार्य क्वारंटीन का नियम खत्म हो जाएगा। कोरोना संक्रमित के संपर्क में आए लोगों को लेकर भी नियम खत्म हो जाएंगे। विमानों में किसी के लिए कोई पाबंदी नहीं होगी। चीन में यात्रा के लिए 48 घंटे पहले की नेगेटिव रिपोर्ट काफी है। यही नहीं, चीन ने नोवल कोरोना वायरस निमोनिया का नाम भी बदल दिया है। निमोनिया शब्द को हटा लिया गया है, अब ये नोवल कोरोना वायरस इन्फेक्शन कहलाएगा।